हे गाइस, मैं हूं केयर कुवाड़े। आप सभी का स्वागत है क्रैक्स टेक्नोलॉजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी टेक न्यूज़ के बारे में। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सैमसंग की ओर से एक और बहुत ही जल्द फोल्डेबल वाला एक नया डिजाइन का मोबाइल बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में। अभी देखते हैं ये एग्जैक्टली कौन सी प्राइस के साथ लॉन्च होता है इंडिया में और कौन कौन से फीचर के साथ लॉन्च होता है इंडिया में। पर इसमें जो आने वाला फीचर है वो मल्टी फोल्ड डिज़ाइन का है। इसमें सैमसंग की ओर से बहुत ही सारे फोल्डेबल डिस्प्ले का सपोर्ट दिया जाएगा। अभी देखते हैं एग्जैक्टली इसके फीचर क्या रहते हैं और कौन सी प्राइस को लॉन्च करता है सैमसंग की ओर से इंडिया में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, रियलमी UI 2.0 अब रोल आउट हो गया है X50 Pro में। ये जो रियलमी UI 2.0 वो बहुत ही लेटेस्ट OS है और ये जो OS है वो Android 11 पर बेस पर रियलमी X50 Pro में रोल आउट चालू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द बहुत सारे डिवाइस में रोल आउट कर देंगे रियलमी की ओर से रियलमी UI 2.0। अभी देखते हैं एग्जैक्टली वो कब सब डिवाइस में रोल आउट करना चालू करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, क्वालकॉम की ओर से और एक नया प्रोसेसर का अनाउंस हो गया है और ये जो आने वाला अपकमिंग क्वालकॉम की ओर से स्नैपड्रैगन 800 का प्रोसेसर आने वाला है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर फीचर क्या रहते हैं। पर ये जो आने वाला अपकमिंग प्रोसेसर है वो 5G बेस पर आने वाला है और इसमें बहुत ही अच्छे फीचर भी आने वाले हैं। अभी देखते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर कौन कौन से फीचर आते हैं। पर इसमें जो अनाउंस कर दिया गया है वो 4K कैप्चर का, 4K में आप इमेज ले सकते हैं और वीडियो भी प्लेबैक कर सकते हैं। अभी देखते हैं ये क्वालकॉम की ओर से जो आने वाला है अपकमिंग 800 का प्रोसेसर है वो कौन से फीचर के साथ और कौन से मॉडल में लॉन्च होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, मीडियाटेक का जो चिपसेट है वो #11 यानी कि IC इनसाइट में 2020 में आ गया है और ये जो #11 है वो मीडियाटेक का 35% ग्रोथ हो चुका है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली वो कितना ग्रोथ करता है और कितना चिपसेट में वो बनाता है। पर अभी जो अनाउंस हुआ है वो #11 में उसका सेमीकंडक्टर सप्लायर में रैंकिंग में आ गया है और ये जो मीडियाटेक का चिपसेट है वो बहुत सारे मॉडल में यूज होता है और ये जो सेमीकंडक्टर सप्लाई रैंकिंग है वो #11 में फाइनली मीडियाटेक ने एंट्री कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, MIUI 12 का स्टेबल अपडेट अब MI 10, MI 10 प्रो, पोको F2 प्रो में दिया जा रहा है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली वो MIUI 12 का सपोर्ट कौन कौन से मॉडल में और MI की ओर से कब वो लॉन्च होता है। और ये जो MIUI 12 है वो बेस्ड ऑन Android 11 है, सो बहुत ही जल्द MI की ओर से बहुत ही सारे मोबाइल में ये अपडेट का रोल आउट करना चालू कर देंगे। सो गाइस, बस यही आज की टेक न्यूज़। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। थैंक यू।